एवरीबडी माइ सेल्फ अंकित शर्मा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंडिया प्लेटफॉर्म अप टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स पार्ट टू ये वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस ऑफ इट कल हमने क्वेश्चंस देखे थे अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी होगी तो साहब इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि कल की क्लास भी जरूर देखिएगा प्लीज़ ऑल्सो वॉच द टुमोरोज क्लास इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास उसी का ही एक एक्सटेंशन क्लास है ठीक है नहीं देखी है तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है टुडे बेसिकली मैं आज कल जो डिस्कस किया था उसके आगे डिस्कस कर रहा हूँ बट इनका आपस में कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है क्लियर सो दीज आर ऑल टूगेदर डिफरेंट क्वेश्चन बट देर इज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड प्लीज डू वॉच टूमोरोज क्लास ठीक है कल का क्लास जरूर देखिएगा एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की, की वीडियोज आपसे कभी भी मिस ना हो यू गेट द प्रॉपर नोटिफिकेशन अबाउट इट क्लियर है सो लेडेस मूव टू द क्वेश्चन बट बिफोर दैट जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है क्लियर नाउ दिस इज द विजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैच Announced and I will be part of it. Further, this is the question. I want you to solve the question. Give me the answer for this question. Is question ka jawab dji? I want you to answer for this question. Please, please. Clear? So, what will be the answer for this question? Is sawal ka jawab kya rahega? What will be the answer to this question? okay In the question, it is told that a unit of equipment costs rupees 25 lakhs. Clear? ज द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड हैज लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है पांच साल का लाइफ है इसका क्लियर विथ नो सैलवेज वैल्यू मतलब सी एस जीरो हो गया है क्लियर फॉर द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ दिस इक्विपमेंट बेस्ड ऑन स्टेट लाइन डेप्रीशिएशन इज कितना एवरेज एनुअल कॉस्ट होगा इसका किस चीज पे बेस हो रहा है किस तरीके से डेप्रिशिएशन हो रहा है बाई स्टेट लाइन मेथड ठीक है जो डेप्रीशियशन का जो तरीका है वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का है सो व्हाट टू डू इन दिस केस होता क्या है तो बेसिकली इस केस में जो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं द द यूजुअल आंसर विच इज गिवन बाय द स्टूडेंट्स इज फाइव लैक्स ठीक है द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट्स इज फाइव लैक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स यही जवाब देते हैं कल ये सवाल मैंने आप लोग को पोटरे किया था दिस क्वेश्चन वॉज पुटअप बाई मी बेसिकली मैक्सिम लोग या सब लोग कल लोगों ने जवाब इसका क्या दिया था फाइव लैख ठीक है शंकर भारती साहब इसका जवाब बता रहे हैं फाइव लैख बट दू दिस विल बी एब्सलूटली रॉन्ग ठीक है wrong, ये गलत है दिस इज एप्सलूटली रॉन्ग वट इज द रीजन बिहाइंड पीछे का रीजन क्या है ठीक है पांच लाख क्या है ये जान लीजिए फाइव लैख इज द डिप्रीशिएशन अमाउंट पर ईयर बाई स्ट्रेटलाइन मेथड इज शन अमाउंट पर ईयर बाय डेप्रीशियशन मेथड बट बेसिकली इट इज नॉट ठीक है फाइव यहां पे वो पूछा नहीं गया है डेप्रिशिएशन अमाउंट पर ईयर नहीं पूछा गया है वॉट इज बिंग आस्ट पूछा क्या गया है ये देखिए पूछा गया है एवरेज एनुअल कॉस्ट ठीक है पूछा गया है एवरेज एनुअल कॉस्ट नाउ द क्वेश्चन इज कि साहब वॉट इज एवरेज एनुअल कॉस्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट होता क्या है बेसिकली एवरेज एनुअल कॉस्ट इज दैट अमाउंट ठीक है, इट इज दैट अमाउंट कि बेसिकली अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता इफ आई वुड नॉट से इक्विपमेंट नहीं खरीदता तो इस पैसे को मैं इन्वेस्ट करता बैंक में ठीक है मैं अगर इस पैसे को इक्विपमेंट खरीदने में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता किस में बैंक में और जब साहब अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता तो वो एवरेज अमाउंट क्या होगा जिसपे मैं ठीक है वो एवरेज अमाउंट क्या होगा जिस पे मैं बेसिकली अपना इंटरेस्ट लूज करता तो दैट अमाउंट दैट एवरेज अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज लॉस्ट ठीक है दैट इज कॉल्ड एज माय एवरेज एनुअल कॉस्ट इसको हम एवरेज एनुअल कॉस्ट कहते हैं क्लियर तो अब बात को समझिएगा देखिए देर इज अ फॉर्मूला फॉर दिस इसके लिए एक फॉर्मूला भी है दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू पी इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन ये किस केस में है? दिस इज इन विच केस केस में फॉर्मूला यूज होता है जिस केस में साहब आपका वैल्यू कितना हो जाता है जीरो हो जाता है, क्लियर? तो ये इस केस में आ जाता है। तो पी इज द इनिशियल 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 अमाउंट 25 लाख एंड एन कितना हो गया ठीक है एन इज फाइव इन दैट इज द लाइफ ऑफ द एसेट तो ये हो जाएगा एन प्लस वन दैट इज सिक्स और यहां पे आ जाएगा टेन क्लियर यहां पे आ जाएगा टेन तो ये कितना आ जाएगा हाउ मच विल बी दिस ये कितना आ जाएगा साहब दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच क्या ये फिफ्टीन लाख आ जाएगा क्या ये फिफ्टीन लाख आ जाएगा तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी देखिए आप में से मैक्सिमम लोग इसका जवाब गलत इसलिए देते हैं क्योंकि आप लोग ये सोच लेते हैं कि एवरेज एनुअल कॉस्ट इज इक्वल टू डिप्रीशिएशन कॉस्ट पर ईयर ज इक्वल टू डेप्रीशिएशन कॉस्ट पर ईयर बट ऐसा नहीं होता देखो अगर फॉर्मूला याद करना नहीं चाहते हो तो आई विल ऑल्सो गिव यू ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं एक आपको छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देता हूँ गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबडी गुड आफ्टरनून तो देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर इस पैसे को मैं इन्वेस्ट नहीं करता ठीक है अगर मैं इस पैसे से ये एसेट नहीं खरीदता तो मेरा जो इंटरेस्ट लॉस्ट होता उस इंटरेस्ट लॉस को हम एवरेज एनुअल कॉस्ट कहते हैं तो देखो जीरो ईयर में बेसिकली अगर मैं एसेट नहीं खरीदता तो बेसिकली कितना हो जाता मैं 25 लाख पे इंटरेस्ट लूज करता आई विल लूज माई इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट 25 लाख क्लियर फिर फर्स्ट ईयर के बाद पे अब क्या एसेट की कीमत अभी भी 25 लाख है क्योंकि साहब मैंने एसेट तो खरीद लिया है क्या अभी भी पच्चीस लाख है नहीं अब पच्चीस लाख नहीं रहेगी अब कितनी हो जाएगी देखो बेसिकली इनिशियल कॉस्ट था पच्चीस लाख और फाइनल कॉस्ट कितना है जीरो और लाइफ कितनी है पांच साल तो बेसिकली वॉट इज द डेप्रीशियशन अमाउंट वट इज द डेप्रीशियशन अमाउंट पर ईयर दैट इज फाइव लाख तो बेसिकली एक साल बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एसेट क्या इसकी वैल्यू ट्वेंटी लाख हो जाएगी तो इंटरेस्ट किस पे लूज होगा ट्वेंटी लाख पे लूज होगा इंटरेस्ट किस पे लूज होगा ट्वेंटी लाख पे लूज होगा फिर सेकेंड ईयर के बाद पंद्रह लाख थर्ड ईयर के बाद दस लाख फोर्थ ईयर के बाद कितना हो जाएगा पांच लाख क्लियर फिफ्थ ईयर के बाद साहब वैल्यू अपने यहाँ पर क्या हो जाएगी जीरो और उसे हमें कंसिडर नहीं करनी है वी डोंट हैव टू इट ठीक है उसे हमें कंसिडर नहीं करनी है क्लियर गॉट दिस पॉइंट तो अब इसमें से एवरेज अमाउंट कितना है जिसपे मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा ट ऑल द इयर्स मैं एक ऐसा अमाउंट ले लूं एक एवरेज अमाउंट ले लूं जिस पे मैं अगर इंटरेस्ट लॉस निकाल लूं तो मुझे हर साल का इंडिविजुअल इंटरेस्ट लॉस निकालू और इस एवरेज अमाउंट पे निकालू तो वो दोनों वैल्यूज क्या आ जाए मेरी सेम आ जाए बोथ द वैल्यू शुड कम एज सेम एग्रीड क्लियर तो वो क्या वो एवरेज अमाउंट फिफ्टीन आ जाएगा क्योंकि साहब फिफ्टीन मेरा मीडियम भी है क्लियर तो वो मेरा फिफ्टीन आ जाएगा एग्रीड गॉट दिस वैल्यू ठीक है बीच वाली वैल्यू ले लो एवरेज हमेशा वही आएगा क्योंकि पांच वैल्यूज है ठीक है देर आर फाइव वैल्यूज आई गेस एवरीबडी गॉट दिस एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एवरीबडी गॉट दिस आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे यस और नो यस और नो आगे बढ़ा जाए देखो अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो देर इज ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट प्लीज डू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स ठीक है यहां पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है आई गेस नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू मैंने आपको फॉर्मुला भी दे दिया और बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया है कुमार आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्लियर एग्रीड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्लियर नेक्स्ट सवाल इसी के बेसिस पे है इट इज ऑन द सेम बेसिस देखो यहां पे क्या है इनिशियल कॉस्ट ट्वेंटी फाइव लैख सैलविज वैल्यू फाइव लाख सैलवेज वैल्यू फाइव लाख क्लियर आफ्टर फाइव ईयर पूछ रहा है आफ्टर फाइव ईयर पूछ रहा है क्लियर अब पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटेड इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट सेम मेथड है ठीक है सेम मेथड है बात में कोई फर्क नहीं है इट इज सेम बोथ ऑफ देम आर सेम तो वॉट विल हैपन इन दिस केस क्या होगा तो अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो इफ यू वॉन्ट टू पुट अप द फॉर्मूला इट विल बी पी एवरेज पी इंटू एन प्लस वन प्लस एस इन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एन डिवाइडेड बाई टू एन एग्रीड ये हो गया आपका फॉर्मूला अब पी क्या है इनिशियल अमाउंट वॉट इज इनिशियल अमाउंट ट्वेंटी फाइव

एन क्या है फाइव तो इट बिकम्स टेन हाउ मच विल बी दिस वैल्यू क्या ये वन फिफ्टी हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा वन सेवेंटी हो जाएगा डिवाइड बाई टेन इटवी सेवनटीन बी सेवनटीन लैख यस और नो इट विल बी सेवनटीन लैख गॉट दिस पॉइंट अब इसी को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं देखूं इसी को मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से देखू तो क्या हो जाएगा तो देखो तो आंसर तो, 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 तो मेरा डी आ गया आई हैव गिवन यू द फॉर्मुला क्लियर तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है मेरा जो अभी हमने डिस्कस किया था तो जीरो थियर में क्लियर जीरो थियर में बेसिकली मेरा किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लॉस होगा क्या ट्वेंटी फाइव लाख पे लॉस होगा एग्री ट्वेंटी फाइव लाख पे लॉस होगा और इस केस में डेप्रीशिएशन अमाउंट पर ईयर कितना है वॉट इज अमाउंट पर ईयर सी आई माइनस सी एस बाई एन सी आई इज ट्वेंटी सी एस इज फाइव सी आई इज ट्वेंटी सी एस इज फाइव तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव हाउ मच इट इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव फोर लाख तो डेप्रीशिएशन अमाउंट पर ईयर फोर लाख हो गया तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट विल बी ट्वेंटी वन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इट विल बी 17 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट विल बी हाउ मच थर्टीन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इट विल बी हाउ मच नाइन और फिफ्थ ईयर में जाके साहब चार लाख माइनस हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हाउ मच इट विल बी इट विल बी सेम एज लाख सो इज इंटैक्ट इंटैक्ट हमारा हो गया क्लियर अब एक एवरेज वैल्यू ले लो ठीक है एवरेज वैल्यू ले लो जिस पे इंटरेस्ट लॉस होगा सो व्हाट विल बी दिस एवरेज वैल्यू ये एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा क्या ये एवरेज वैल्यू सेवनटीन लाख होगा दिस एवरेज वैल्यू इज सेवनटीन लाख क्योंकि अगर सब पे इंटरेस्ट लॉस निकालोगे और फिर एक एवरेज ले लोगे क्लियर तो सब पे इंटरेस्ट लॉस निकालोगे एवरेज ले लोगे तो व्हाट विल बी द केस ठीक है एवरेज वैल्यू या सेवनटीन पे निकाल लो पांचों साल के लिए ऑल फाइव इयर्स के लिए सेवेंटीन पे निकाल लो बात क्या रहेगी सेम ही रहेगी तो डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट इफ यस गिव मी थम्स अप इफ यस गिव मी थम्स अप अगर कुछ नया सीखने को मिला है कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुआ है पहले ये सवाल अगर गलत करते थे ठीक है तो प्लीज गिव मी थम्स अप गिव मी थम्स अप एवरीबडी तब फिर मैं आगे अगले सवाल पे पढ़ता हूं अगले सवाल पे बढ़ता हूं देर आर मेनी क्वेश्चन लाइक दिस वेटिंग फॉर यू आर मेनी क्वेश्चन लाइक दिस दिस वेटिंग वेटिंग फॉर फॉर यू यू मेनी लाइक ये फॉर्मूला कहां से आया सब ये फॉर्मूला इसी फंडामेंटल से डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला इसी फंडामेंटल से डिराइव हुआ है इसी फंडामेंटल से डिराइव हुआ है बेसिकली इस तरीके से कर्व बनता है टाइम का और पी का क्लियर तो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होगा फिर ये होगा इस तरीके से क्लियर तो एक एवरेज ले लिया जाता है बीच में वहां से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है एग्रीड तो मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे दिया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया दैट्स इट थैंक यू चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड सो समथिंग न्यू यू हैव लर्न ठीक है कुछ नया सीखने को मिला है दैट्स गुड देखिए चलिए ये वाला सवाल ये वाला सवाल पढ़िएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये भी सवाल लोग बहुत गलत करते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं थैंक यू भारती साहब थैंक यू इक्विपमेंट इज परचेस्ड फॉर रुपीज फोर्टी थाउजेंड एंड इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड बाय एंड इज फुल्ली फुल्लीप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एट ईयर्स इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एट ईयर्स क्लियर ंग द इंटरेस्ट ऑन एवरेज एनुअल कॉस्ट फिफ्टीन परसेंट पर एनम एम फिफ्टीन परसेंट पर एनम द चार्ज ऑन द कंपनी ड्यू टू यूज ऑफ दिस इक्विपमेंट इफ मेड यूनिफॉर्मली ओवर एट ईयर इज ये सवाल है तो so, देखो सबसे पहले यह समझो कि साहब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वॉट इज बिंग आस्ट इन द क्वेश्चन वट इज बिंग आस्ट इन द क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज ऑन द कंपनी ड्यू टू द यूज ऑफ दिस कंपनी इक्विपमेंट चार्ज ऑन द कंपनी ड्यू टू द यूज ऑफ दिस इक्विपमेंट क्लियर तो अब इस बात को समझिएगा कि साहब कंपनी पे क्या चार्ज होगा तो देखिए चार्ज ऑन कंपनी ठीक है चार्ज ऑन कंपनी तो कंपनी पे जो चार्ज होगा उसके दो पार्ट होंगे क्लियर एवरी ईयर कंपनी पे जो चार्ज होगा उसके दो पार्ट होंगे बेसिकली अगर हमने कोई एसेट खरीद लिया इफ आई हैव परचेस्ड वन एसेट क्लियर तो उस एसेट का उस एसेट का मैं क्या चार्ज चुकाऊंगा वॉट चार्ज आई हैव टू पे एवरी ईयर वॉट चार्ज आई हैव टू पे एवरी ईयर सो वन विल बी डेप्रीशिएशन अमाउंट ठीक है एवरी ईयर आई विल बी पेइंग डेप्रीशिएशन अमाउंट एंड सेकेंडली आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट लॉस्ट

फाइव क्लियर और ये डेप्रीशियेशन हो जाएगा मेरा दिस विल बी डेप्रीशिएशन तो हाउ मच विल बी डेप्रीशिएशन पर ईयर ठीक है पर ईयर का डेप्रीशियशन कितना होगा तो व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट गुड अतुल गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड व्हाट इज इनिशियल कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड मेरा इनिशियल कॉस्ट है एंड इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड बाई स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एट इयर्स तो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रीशियन होता है सी आई माइनस सी एस डिवाइड बाई एन सी आई कितना हो गया जीरो हो, हो, हो गया और एन कितना हो गया साहब एट ईयर हो गया एन एट ईयर हो गया एग्रीड तो अब थैंक यू अतुल तो बेसिकली डेप्रीशियशन अमाउंट कितना आ जाएगा क्या फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई एट आ जाएगा क्या फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई एट आ जाएगा और फोर्टी थाउजेंड डिवाइड बाई एट कितना होगा क्या फाइव थाउजेंड होगा फोर्टी थाउजेंडिट कितना होगा क्या ये फाइव थाउजेंड होगा टू कैलकुलेट पी एवरेज और पी एवरेज कितना होगा हाउ मच बी पी एवरेज क्या ये वाला जो पी एवरेज का जो पोर्शन है क्या पी एवरेज हो जाएगा फुल्ली डेप्रिशिएटेड है क्लियर तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड है तो हम फोर्टी थाउजेंड इंटू एन प्लस वन एन कितना है एट ईयर्स तो इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टू एन दिक्सटीन टू एन डिवाइडेड बाई दट इज सिक्सटीन तो अब ये कितना हो जाएगा साहब हाउ मच इट विल बी क्या ये टू टू फाइव जीरो हो जाएगा बाइस हजार पांच सो थैंक यू अतुल यस सूरज यू आर एब्सोल्युटली राइट ठीक है बेसिकली डेप्रिशिएशन पर ईयर विल बी फाइव थाउजेंड डेप्रीशियशन पर ईयर विल बी फाइव थाउजेंड एंड अतुल यू आर एब्सोल्युटली राइट पी एवरेज कितना आ जाएगा मेरा ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड दैट विल बी ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड सो बेसिकली इंटरेस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट लॉस्ट कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट वन फाइव क्या ये हो जाएगा थ्री थ्री सेवन फाइव क्या ये हो जाएगा थ्री थ्री सेवन फाइव लेटमी नो क्या ये हो जाएगा थ्री थ्री सेवन फाइव एवरीबडी यस और नो एग्रीड तो अब टोटल चार्ज ऑन द कंपनी कितना हो गया क्या मैं ये कह सकता हूं टोटल चार्ज ऑन द कंपनी विल बी नथिंग बट क्या ये अमाउंट थ्री थ्री सेवन फाइव प्लस फाइव थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड दैट इज एट थ्री सेवन फाइव दैट इज एट थ्री सेवन फाइव तो क्या आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा क्या आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा गुड भारती साहब गुड 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 माय आंसर विल बी ऑप्शन सी एग्रीड एवरीबडी गॉट दिस क्लियर हुआ है बात बात क्लियर हुई गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड आगे बढ़े अगले सवाल लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन this is the question a uniform series of income is available in perpetuity a uniform series of income is available in perpetuity tika okay, perpetuity ka matlab G1, lifelong which will yield an amount of 4000 at the end of each 4-year period it will yield an amount of rupees 4000 at the end of at the end of each 4-year period

एट जीरो पॉइंट ऑफ टाइम अब लेट अस से कोई एक्स अमाउंट मिल रहा है आपको फोर ईयर के बाद फिर अगेन एक्स अमाउंट मिल रहा है आपको फोर ईयर के बाद तो एट ईयर हो गया फिर आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है ट्वेल्थ ईयर के बाद और ये सिलसिला चल रहा है तो मतलब हर चार साल के बाद आपको एक्स एक्स अमाउंट मिलता जा रहा है और ये सिलसिला कब तक चल रहा है साहब ये सिलसिला आपका चल रहा है कब तक इन्फिनिटी तक

फोर हो जाएगा क्योंकि साहब ये जो पेमेंट मिल रहा है कितने साल बाद कितने फोर ईयर बाद मिल रहा है क्लियर तो पी विलउजेंड क्लियर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई डिडेड वेस्ट रेट एट परसेंट वन पॉइंट जीरो एट टू द पावर ऑफ फोर माइनस वन टू पावर ऑफ फोर माइनस वन या फिर ये छोड़ो अभी एक और मैं आपको फंडामेंटल देता हूं क्लियर तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए हाउ टू सॉल्व दिस ठीक है द कैलकुलेशन बिकम स्टीडियस और क्वेश्चन में मुझे एक दे रखा है कि दैट सिंकिंग सिंकिंग फंड फंड फैक्टर फैक्टर एट कंपाउंडिंग विल बी दिस क्लियर तो ये हो जाएगा चार साल के लिए तो अब देखो क्या मैं लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैं ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देता हूं लेट मी मल्टीप्लाई बाई आई तो ये आ जाएगा इधर into this will be i upon 1 plus i to the power of k minus 1 1 plus i to the power of k minus 1 ये आ जाएगा और क्या यही मेरा सिंकिंग फंड फैक्टर होता है क्या यही मेरा सिंकिंग फंड फैक्टर होता है यस और नो दिस इज माय सिंकिंग फंड फैक्टर तो पी कितना होगा एक्स है मेरा 4000 डिवाइडेड बाय जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू इंटू जीरो पॉइंट ट्रिपल टू जीरो पॉइंट ट्रिपल टू अब ये कितना आ जाएगा साहब ठीक है श्रीवास्तव साहब आप लग रहा है कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है डेटा दे रखा है एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट आंसर आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कैंसल हो गया ठीक है ये कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा ये अगर इसको कैंसिल करते हो कितना आ जाएगा बताइए हाउ मच इट विल बी फाइव का फैक्टर आएगा फाइव को मल्टीप्लाई करोगे देखो मैं भी नंबर्स में तो जा ही नहीं रहा डेसिमल में जा ही नहीं रहा क्योंकि सारे आंसर मेरे एक ही डेसिमल में है एक ही ठीक है रेंज में है तो मैं उस रेंज में जा ही नहीं रहा आई हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई वाइव मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा एंड हाउ मच इट विल कम क्या आंसर मेरा ए आ जाएगा मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है बस इतना लिख लिया खत्म इसके बाद अब मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सो आई गेस आई मेड माई पॉइंट क्लियर आई गेस आई मेड माई पॉइंट क्लियर देखो अगर क्वेश्चन में डेटा दे रखा है तो जबरदस्ती यूज नहीं करना मैं कभी नहीं कहता जबरदस्ती यूज नहीं करना है बट कम से कम एक बार ट्राई तो करना है समझने की एक बार ट्राई तो करना है कि क्या उसका कोई यूज है देखो अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम सोच सकते हैं वी कैन गिव थॉट अबाउट इट इसके बारे में हम एक थॉट दे सकते हैं कि हाँ क्या इसकी जरूरत है अगर जरूरत है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्लियर अदरवाइज कभी ठीक है जबरदस्ती नहीं करना है हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है इस बात को लेके एग्रीड लेट अस मूव फॉरवर्ड आगे बढ़े अगले सवाल पे बढ़े आई गेस दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू बड़ा आसान था सिंपल था यस और नो इफ यस गिव मी ये थम्स अप अगर कुछ सीखने को मिला है अच्छा लगा है तो प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीबडी ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सी आर एफ टेन परसेंट ट्वेंटी इयर्स डिस्क्रीट कंपाउंडिंग कंप्यूटेड एस जीरो पॉइंट वन वन सेवन फोर सिक्स ओके वेरी गुड फर्दर by placing rupees 1 lakh in fixed in a fixed deposit now yielding 10% now yielding 10% annual discrete compounding it is intended to withdraw equal amounts at the end of second fourth sixth 18th and 20th year from now clear thereby exhausting the deposit funds the amount that could be withdrawn in टेन इंस्टॉलमेंट इज देखिए पहली बात एक बात मैं आप लोगों को एक अपना तरफ से सजेशन दे रहा हूं कई बार होता क्या है कि साहब एग्जाम में आप और हम देखते हैं कि सवाल बड़ा है द क्वेश्चन इज लार्ज और डर जाते हैं सोचते नहीं साहब नहीं होगा कुछ बहुत कुछ पूछ लिया है देखो तो सवाल कभी बड़ा इसलिए नहीं होता कि बहुत कुछ पूछ लिया सवाल बड़ा केवल एक रीजन से होता है बहुत सारा डेटा दिया होता है और जब भी डेटा दिया होता है तो आपकी सहूलियत के लिए दिया होता है इट इज फॉर योर ओन कन्वीनियंस सो गेट एफ्रेड ऑफ लार्ज क्वेश्चंस देखिए मुझे छोटे सवालों से डर लगता है बड़े सवालों से डर नहीं लगता है क्योंकि साहब बड़ा सवाल अगर दिया गया है तो मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी गई है छोटा सवाल आ जाता है जैसे मान लो एनवायरमेंट में छोटा सवाल आ गया डिजाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर हंड्रेड पीपल बड़ा छोटा सा सवाल है आधी लाइन का सवाल है डिजाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर हंड्रेड पीपल अब साहब क्या करना है क्या एजम्पन है पता ही नहीं क्लियर और जितना बड़ा सवाल होगा साहब उतना ज्यादा आपको डेटा दिया गया है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट नेवर एवर गेट वीड अबाउट नेवर एवर गेट वीड अबाउट द लार्ज क्वेश्चन लार्ज क्वेश्चन है मतलब तो आसान है वी हैव टू गेट वरीड अबाउट द स्मॉल क्वेश्चन द सिंगल लाइनर क्वेश्चन क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता गोट द पॉइंट अब देखिए बात को समझिए क्या कहा गया है देखिए सी सीआरएफ की वैल्यू दी गई है एक लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिया जाएगा एफडी में क्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन परसेंट और यहां पे भी टेन परसेंट तो मतलब ये फैक्टर अगर यूजेबल है तो यूज कर ले सकते हैं अगर यूजेबल है तो यूज कर ले सकते हैं क्लियर अब विड्रॉ कब हो रहा है सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर सिक्स एटीन ट्वेंटी ओके कुल गुड 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 तो अब बेसिकली क्या है क्या है ये बात को समझिएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड तो देखिए मैंने पी अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया क्लियर और मान लो कि एवरी निकाल लेता हूं और ये सिलसिला कब तक चल रहा है ट्वेंटी चल रहा है तक. तक. ए पी होता है मुझे पता है पी बाई ए देखो मैं A by P का फॉर्मूला याद नहीं रखता पी बान प्लस आई टू दी पावर ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाई I into 1 plus i to the power of n क्लियर ये मेरा CRF का फॉर्मूला होता है तो यहां पे p अवेलेबल है ये अवेलेबल है ठीक है इसको जस्ट अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो A विल बी इक्वल टू P इंटू आई इंटू वन प्लस आई टू दावर ऑफ एन डिवाइडेड बाई वन प्लस आई टू दावर ऑफ एन माइनस वन क्लियर

तो सीआरएफ वन लैख कितना होता है क्या वन लैख इज टेन टू पावर ऑफ फाइव क्या वन लैख ,00 कितना होता है वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक वन लैख इज टेन टू पावर ऑफ फाइव क्लियर इन टू हाउ मच इज दिस जीरो पॉइंट वन वन सेवन फोर सिक्स तो अगर मैं एवरी ईयर निकालू एवरी ईयर निकालू तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन वन सेवन फोर सिक्स अगर मैं एवरी ईयर निकालू तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन वन सेवन फोर सिक्स एग्रीड क्लियर वन वन सेवन फोर सिक्स आ गई अब क्या कहा गया है कि निकाला कब जा रहा है पैसा सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर पे निकाला जा रहा है मतलब हर कॉन्सिक्यूटिव पे निकाला जा रहा है अब देखो ये एवरी ईयर का आ गया क्लियर तो अब अगर इसके लिए मैं छोटा सा कैश फ्लो डायग्राम बना लू एक छोटा सा कैश फ्लो डायग्राम बना लू तो देखो जीरो पे तो कुछ मिला ही नहीं मुझे क्लियर तो अब यहां पे देखो फर्स्ट ईयर पे मैंने ए निकाला फिर सेकेंड ईयर पे ए मिलना ही मिलना है तो अब सेकेंड ईयर पे जो मैं इंस्टॉलमेंट निकालूंगा कोई बात नहीं सिंह साहब कोई बात नहीं गुड आफ्टरनून ठीक है अभी कंसंट्रेट कर लो दे रहा है दुरुस्त आए रिकॉर्डेड आपको मिली जाएगा यूट्यूब पे तो ऐसा कोई बात नहीं है समझिए आप ठीक है अब ये ए अमाउंट फर्स्ट पे आ रहा था यहां पे और ये सेकंड पे है क्लियर तो यहां पे मैं पैसा निकाल रहा हूं आई एम टेकिंग आउट मनी एट दिस प्लेस इस जगह पे मैं पैसा निकाल रहा हूं तो सेकेंड ईयर पे जो पैसा आएगा ठीक है अमाउंट एट सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर पे जो पैसा आएगा सेकेंड ईयर मच विल बी दिस क्या देखो ए अमाउंट तो पूरा पूरा आएगा क्योंकि साहब उसी समय मिल रहा है तो इसका कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है तो इट विल बी अमाउंट ए प्लस ये अमाउंट यहां तक पहुंचने में क्या इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा एक बार क्या इसको इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा ए इंटू वन प्लस आई टू दावर ऑफ वन क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट लग जाएगा ए इंटू वन प्लस आई टू दावर ऑफ वन ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई प्लीज लेट मी नो डिड यू गेट दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई तो बताइएगा ये बात समझ में आई तो बताइएगा तो कितना हो जाएगा वन वन सेवन फोर सिक्स प्लस बेसिकली आपका वन वन सेवन फोर सिक्स इंटू इंटरेस्ट रेट इज टेन परसेंट तो वन पॉइंट वन टू पावर ऑफ वन वन पॉइंट वन टू दॉर ऑफ वन तो ये लगभग कितना हो जाएगा अगर मैं वन पॉइंट वन ही ले लेता हूं अगर नहीं लेता हूं तो बाईस हजार और ये समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी क्या सी के आसपास आ रही है वैल्यू इज द वैल्यू कमिंग नियर अबाउट सी दैट इज टू थ्री फोर नाइन टू टू थ्री फोर नाइन टू प्लीज रिस्पॉन्ड वैल्यू कितनी आ रही है टू थ्री फोर नाइन टू ल्कुलेट आई हेव जस्ट अंदर रफ कैलकुलेशन इन माई माइंड बताइए कि ह, यहां पर मोटा मोटा हजार रुपए बढ़ गया इसको डबल कर दो बारह सौ के चौबीस सौ से थोड़ा कम कर दो ढाई सौ रुपए पांच सौ रुपए हाउ मच इट इज कमिंग टू थ्री फोर नाइन टू टू फोर सिक्स सिक्स सेवन बताइए how much is the value coming 24667 tk you guys have the calculator available okay tk tk 24667 this is the answer i guess everybody got the concept everybody got the concept any issue with the concept anybody anybody having the issue with the concept कैलकुलेटर भी मेरे पास है नहीं दैट्स वाई आई कैन नॉट सॉल्व इट ठीक है बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट एवरीबडी इज एवरीबडी गॉट द कॉन्सेप्ट एंड आई गेस एवरीबडी इज कन्विंस कॉन्सेप्ट ठीक है कॉन्सेप्ट से कन्विंस भी हो गए हो गए हो ठीक है नाउ बेसिकली इफ यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम मी अगर सब इस सेशन से नॉलेज से मिल रही है तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल सो यू गेट द कंटिन्यूअस अपडेट आपको कंटिन्यूअस अपडेट लगेंगे एंड हिट द लाइक बटन ठीक है हिट द लाइक बटन ओके ठीक है ठीक है डी इज कमिंग दैट्स नॉट एन इशू क्लियर चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन लेटस रीड द क्वेश्चन वंस एक बार सवाल पढ़ते हैं लेटस रीड द क्वेश्चन वंस ठीक है आप लोग भी पढ़ लीजिएगा मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन एक बार पढ़िए वॉट इज द क्वेश्चन The cost of required materials for construction has been estimated by a contractor and an extract thereof indicates rupees eighty thousand for month one, rupees one lakh twenty thousand for month two, rupees one lakh. lag to Are you afraid of this? Question Are you afraid of this question? भी आया था इसका वो अभी देख लेते हैं डोंट वरी अबाउट इट अतुल विल जस्ट चेक इट बट मजा आ रहा है आर यू एंजॉइंग अतुल आई गेस यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन आई गेस यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आर यू हैविंग फन वर द क्वेश्चन गुड लेट मी नो लेट मी नो क्लियर सो रुपीज वन लैख फॉर द मंथ थ्री एंड रुपीज फोर्टी थाउजेंड फॉर मंथ फोर ही हैज अरेज

लेट मी ट्राई टू ड्रॉ ए टेबल तो बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगी इस सवाल में कोई दम नहीं है देर इज नो ठीक है दिस इज मंथ वन मंथ टू मंथ थ्री मंथ फोर क्या मुझसे मंथ थ्री और मंथ फोर के बीच का डिफरेंस पूछा गया है ओके थैंक यू थैंक यू संतोष देखो मैं हूं ही इसीलिए मैं हूं ही इसीलिए डोंट वरी आई एम ओवर हियर टू हेल्प यू आई एम ओवर हियर टू हेल्प यू दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस बट समझना है डरना नहीं है सवाल से कभी नहीं डरना है क्लियर सुनते ही हो माउंटेन डीपे तो डर के आगे जीत बस वैसा ही है खेल क्लियर डरोगे नहीं ठीक है डोंट हैव टू तो देखो थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ के बीच का डिफरेंस चाहिए हमको क्लियर तो अब ये डिफरेंस निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस क्लियर तो इसलिए मैं आगे का वैल्यू ले ही नहीं रहा हूं अब इनिशियली उसने कितना पैसा लिया है इनिशियली एट्टी थाउजेंड रुपीस क्लियर तो इनिशियली एट्टी थाउजेंड रुपीस एट्टी थाउजेंड रुपीज क्लियर एट्टी थाउजेंड रुपीस नाउ बेसिकली यहां पे ये देखिएगा यहां पे ये देखिएगा कि बेसिकली फोर्टी परसेंट उसको इमीडिएटली पे करना होता है फोर्टी परसेंट इमिडिएटली पे करना होता है और फोर्टी परसेंट वन मंथ लेटर पे करना होता है एंड बैलेंस ट्वेंटी परसेंट टू मंथ्स लेटर बैलेंस ट्वेंटी परसेंट टू मंथ्स लेटर पे करना होता है क्लियर अब समझिए फोर्टी परसेंट यहां पर इमीडिएटली पे करना है एटी थाउजेंड का पेमेंट लिया फर्स्ट मंथ में इमीडिएटली फोर्टी परसेंट तो मतलब थर्टी टू थाउजेंड बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि साहब मेरा गोल कहीं और है क्लियर और फिर यहां पर फिर से फोर्टी परसेंट इसका तो थर्टी टू थाउजेंड फिर ट्वेंटी परसेंट यहां पर सोलह हजार देखो इस कॉलम की एंट्री इन दो कॉलम की एंट्री गलत मत करना इन दो कॉलम की एंट्री गलत मत करना क्योंकि साहब थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस पूछा गया तो यहां अगर गलत भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मैं बत्तीस की जगह सौ लिख दू पचास लिख दू गलत कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में क्लियर फिर नेक्स्ट मंथ में कितना लिया है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड क्लियर वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एग्रीड बात समझ में आ रही है अब वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ये मंथ टू का पेमेंट है लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब इसको पे कब करोगे साहब पहले महीने का तो खर्चा ही नहीं है ठीक है ये आपके सेकेंड मंथ का खर्चा है तो इसको फोर्टी परसेंट इमिडिएटली पे करोगे तो ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट थाउजेंड क्लियर और ये भी फोर्टी एट थाउजेंड क्लियर और यहां पर ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड अगर आसान लग रहा है तो प्लीज गिव मे थम्स अप लेट मी नो लेट मी नो एवरीबडी लेट मी नो अगर आसान लग रहा है प्लीज गिव मे थम्स अप क्लियर ये बात आ गई अब फिर उसके बाद अगले महीने कितना है एक लाख अगले महीने कितना है एक लाख क्लियर एक लाख अब ये कब पे होगा थर्ड महीने का है तो इमीडिएटली थर्ड महीने में पे होगा थर्ड मंथ तो फोर्टी क्लियर और यहां पर भी फोर्टी इसके आगे भी होगा बट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं आई एम नॉट वरी डबाउट इट आई एम नॉट वरी डबाउट इट आई एम नॉट वरी डबाउट इट क्लियर अब उसके बाद उसके बाद फोर्थ मंथ में कितना है वन लैख फोर्टी थाउजेंड सो वन लैख फोर्टी थाउजेंड ये फोर्थ मंथ में है. अब इसका पेमेंट कब होगा क्या इसका फोर्टी परसेंट फोर्थ मंथ में इमीडिएटली करना होगा एंड इसका फोर्टी परसेंट कितना होगा हाउ मच विलोर्टी परसेंट ऑफ दिस क्लियर तो फोर्टी परसेंट कितना हो जाएगा इसका दिस विल बी क्या ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हो जाएगा क्या ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड हो जाएगा यस और नो गुड 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 दिस विल बी फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो साहब अब इन दो महीने का डिफरेंस पूछा गया है द डिफरेंस इज बिंग लास्ट ऑफ दिस टू मंथस तो सिक्स एट फोर क्लियर दिस विल बी टेन वन लैख फोर थाउजेंड ये पैसा उसे अरेंज करना है थर्ड मंथ में यहां पे हाउ मच इट विल बी ट्वेंटी फोर फिफ्टी सिक्स दट्टी एट्टी और फोर्टी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सो हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया क्या डिफरेंस बात समझ में आई हो आंसर मिल गया हो गिव मी थम्स अप एवरीबॉडी एवरीबॉडी आसान था सवाल आसान था हम केवल पहले डर गए थे आसान था सवाल हम केवल पहले डर गए थे तो व्हाट विल बी द आंसर ठीक है व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस आंसर कितना हो जाएगा क्या ये आंसर सिक्सटीन थाउजेंड होगा क्या ये आंसर सिक्सटीन थाउजेंड होगा एग्रीड देखो यहां पे जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था सिक्सटीन थाउजेंड होगा सो व्हाट विल बी आंसर आंसर बी आंसर बी थैंक यू श्रीवास्तव साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू आसान था वॉज इट इजी वॉज इट इजी देखिए अगर बात समझ में आई हो पसंद आया हो तो साहब लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों के साथ आई वॉन्ट एवरीबडी टू लर्न दिस क्वेश्चन लोग इससे डरते हैं और अब फोबिया खत्म होगा कि हां साहब बड़े सवाल से कोई डर नहीं लगता बड़े सवाल से डरना नहीं होता है छोटे सवाल से डरना होता है इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्लियर Okay. Just wait, I have to rub this off Just give me a moment. my slide pellica here.

Please read the question. Thank you, thank you, thank you, everybody. I am new to the system, I am gradually learning. Question is a project is of four months duration and needs expenditure of 15,000 per month uniformly uniformly which should be which should be available ready, readily on hand at the beginning of each month bills can be raised with 15% profit over cost at the end of each month work the amount due on the bill raised will be reimbursed with a further month's delay will be reimbursed with a further month's delay

मतलब एक कोई कहानी देखो सबसे पहले ये पता करो साहब सवाल में पूछा क्या गया है फिर दोबारा से एक बार कहानी पढ़ लेंगे अगर भूल जाते हो तो मैं भी भूल जाता हूँ इट्स ए वेरी नॉर्मल थिंग ठीक है आप भी नॉर्मल हो मैं भी नॉर्मल हूँ ऐसा कुछ नहीं है सब ठीक है सब लोग आदमी भूल जाता है बट अब मैंने पता कर लिया कि साहब चाहिए क्या द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड एंड द ड्यूरेशन फॉर विच इट्स मैक्सिमम नीडेड आर रिस्पेक्टिवली मतलब साहब चलाने के लिए पैसा कितना चाहिए ये पूछा गया हाउ मच मनी इज बिंग रिक्वायर्ड So this, तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये भी जान लो मान लो कि साहब कि आप नौकरी करने कहीं जाते हो ठीक है यू वेंट फॉर ए जॉब ठीक है आप कहीं नौकरी करने जाते हो अब वो नौकरी वाले आपको एक तारीख से ज्वाइन करवा लेते हैं एक तारीख से ज्वाइन करवा लेते हैं और हर महीने की पहली तारीख को आपको सैलरी मिलेगी तो साहब जिस दिन आपने ज्वाइन करी उस महीने की तो सैलरी मिलती नहीं सैलरी कब मिलेगी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट तारीख को सर दिस इज पार्ट ऑफ यस द पोर्शन पोर्शन सम इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो सो डोंट वरी अबाउट इट क्लियर जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के भी पार्ट थे क्लियर एंड दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ए में भी आता है अब कई स्टेट्स में और ई में तो आता ही आता है क्लियर चलिए तो अब आपको फर्स्ट जनवरी को मान लो ज्वाइन करना है बट उसकी सैलरी कब मिलेगी फर्स्ट फेब्रवरी को क्लियर और मान लेते हैं आपका मंथली एक्सपेंडिचर है ट्वेंटी थाउजेंड और आपकी मंथली सैलरी है थर्टी थाउजेंड तो फर्स्ट जनवरी को ट्वेंटी थाउजेंड आपको चाहिए खर्चा चलाने के लिए यू रिक्वायर ट्वेंटी थाउजेंड फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट मंथ एग्रीड अब अगले महीने से फर्स्ट फेबर को आपको थर्टी मिल जाएंगे

Clear? तो अब बात को समझिए मतलब हर महीने कितना चाहिए पंद्रह हजार रुपए विच शुड अवेलेबल रेडिली ऑन हैंड एट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हर महीने की स्टार्टिंग में चाहिए yes, yes, भारती सब बिल्कुल सही कह रहे हो स्टार्टिंग में चाहिए तो so देखो मैं यही बना दे रहा हूं पहला महीना दूसरा तीसरा फोर्थ क्लियर एंड दिस पॉइंट इज जीरो पॉइंट ऑफ टाइम जीरो वन टू थ्री फोर क्लियर अब बात को समझिए कि ये जो फर्स्ट मंथ है ये जो फर्स्ट मंथ है इसके स्टार्टिंग में कितना चाहिए फिफ्टीन के चाहिए यू रिक्वायर फिफ्टीन के क्लियर अब ये जो फिफ्टीन के ये आपका खर्च होगा लेडर से ये फर्स्ट जनवरी ये जनवरी मंथ खत्म हुआ तो ये फिफ्टीन के खत्म हो गया अब यहां क्या हो रहा है कि बिल्स कैन बी रेस्ड बात समझिएगा बिल्स कैन बी रेस्ड रेस्ट विदर्सेंट प्रॉफिट ओवर द कॉस्ट ठीक है आपने जो पैसा लगाया उस पर एंड ऑफ ईच मंथ तो जनवरी महीने का बिल कब आएगा थर्टी फर्स्ट जनवरी को रेस करोगे थर्टी फर्स्ट जनवरी को रेस करोगे क्लियर एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑफ द वर्क फर्दर द अमाउंट ड्यू ऑन द बिल कैन बी रिम्बर्स विद ए फर्दर वन मंथ डिले मतलब 31 जनवरी को साहब आपने बिल रेस किया कितना बिल रेस किया 1.15 टाइम्स 15 परसेंट इंक्रीमेंट के साथ इस पे रेस किया तो आपको 2250 सॉरी नॉट 2250 ठीक है 15 वन सेवन टू फाइव जीरो रुपीज मिलेगा बट वो कब मिलेगा एक महीने के डिले के साथ क्या यहां पे मिलेगा ठीक है यूल रिसीव अमाउंट है एंड दैट विल बी वन पॉइंट वन फाइव इंटू फिफ्टीन थाउजेंड वन पॉइंट वन फाइव इंटू फिफ्टीन थाउजेंड क्या यहां पे मिलेगा क्लियर बट अब यहां तक खर्चा चलने के लिए पैसा कैसे करें? तो क्या एक महीने यहां पे भी आपको पैसा चाहिए होगा कितना फिफ्टीन के और यहां पे भी पैसा चाहिए होगा फिफ्टीन के क्लियर तो क्या यहां वाला पैसा आपको सीरियसली चाहिए फिफ्टीन के नहीं क्योंकि तो इस दिन ठीक है इस दिन आपको यह पैसा मिल चुका होगा आपके फर्स्ट बिल फर्स्ट मंथ के बिल का पेमेंट हो चुका होगा तो हाउ मच मनी डू यू रिक्वायर क्या आपको पहले दो महीने के लिए फिफ्टीन थाउजेंड चाहिए तो क्या थर्टी थाउजेंड चाहिए तो क्या थर्टी तो थाउजेंड चाहिए तो क्या मेरा आंसर सी हो जाएगा रुपीज थर्टी थाउजेंड एंड फ्रॉम बिगनिंग ऑफ मंथ वन टू एंड ऑफ मंथ टू ठीक है तो आपका आंसर कितना हो गया

ये वही केस है साहब कि आपको पहली फरवरी को ठीक है पहली फरवरी को सैलरी मिल गई ये वही केस है अगर आपसे कोई कहे कि आप एक महीना काम करोगे और एक महीने बाद सैलरी दूंगा ठीक है पूरा महीना काम करो तो वो जो सैलरी आएगी वो नेक्स्ट मंथ बाद आएगी क्लियर थैंक यू अतुल दिस वैल्यू विल बी वन सेवन टू फाइव जीरो एक महीना काम करोगे और उसकी सैलरी अगले महीने बाद आएगी तो आपको जनवरी और फरवरी मंथ के लिए भी

क्लियर और मैं उस पर जवाब दूंगा कि साहब कैसे होगा क्या इसका सही जवाब होगा तो मैं आपको ठीक है कल तक का समय लीजिए कल तक आप जवाब दीजिए ठीक है एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट शेयरिंग इट ठीक है मैं इसे शेयर करना ठीक है इसका जवाब शेयर करना चालू करूंगा क्लियर सो दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस इट वाज एन इंफॉर्मेटिव सेशन अगर साहब पसंद आया हो तो डू लाइक द सेशन प्लीज डू शेयर द सेशन क्लियर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आया हो मेरी बात समझ में आई हो क्लियर तो दैट इज़ द माय हम्बल रिक्वेस्ट ठीक है मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एग्री एवरीबडी थैंक यू थैंक यू शुभदीप सिंह या ठीक है दैट्स वाई यू गॉट रॉन्ग एग्जैक्टली क्लियर तो चलिए थैंक यू एवरी दैट्स इट फॉर टुडे लेट्स मीट यू टुमारो लेट्स मीट यू टुमारो थैंक यू एवरीबडी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच